नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने अब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि इस याचिका को लेकर के शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मनीष सिसोदिया को लगी थी और सीधे तौर पर वहां पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा था कि आप पहले हाईकोर्ट में जाओ, अगर वहां पर मसला हल नहीं होता तब आपको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए, आप पहले ही सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। आपको बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी शराब घोटाला मामले में की है और लगातार 5 दिनों की हिरासत यानी कि रिमांड जो है मनीष सिसोदिया को मिली हुई है और मनीष सिसोदिया इस वक्त सीबीआई की हिरासत में है। बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में घिरे मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की तरफ से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम की याचिका पर शनिवार को सुनवाई की जानी है। मनीष सिसोदिया फिलहाल सीबीआई की रिमांड में है। मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला मामले में 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया था। कोर्ट की ओर से सीबीआई रिमांड के बाद मनीष सिसोदिया ने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। सीबीआई का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति घोटाले में अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि सिसोदिया ने आबकारी नीति के संबंध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को कुछ शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बदल दिया था। ये भी आरोपी विजय नायर के माध्यम से किया गया था। बता दें कि उन्होंने दक्षिण भारत के एक शराब व्यवसायी और राजनेता की ओर से कंट्रोल किए जा रहे साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए एकत्र भी किए थे और इन्हें पॉलिसी के जरिए फायदा होना था। वहीं हवाला चैनल के माध्यम से 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। वहीं सूत्रों ने कहा है कि हमें पता चला है कि सितंबर और अक्टूबर 2021 के बीच सिसोदिया ने लगभग 14 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड भी बदले थे। सेल फोन बदलने का उद्देश्य सबूत नष्ट करना था। सिसोदिया के सचिव देवेंद्र शर्मा ने ये सभी मोबाइल फोन मुहैया कराए थे। बता दें कि सीबीआई का कहना है कि इस संबंध में उनका बयान हमारे पास है। सीबीआई इस मामले में पहले ही 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दायर कर चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से साफ तौर से इनकार कर दिया था। मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ ही उन्होंने सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठाए थे। मनीष सिसोदिया की याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने यह सुनवाई की थी। कोर्ट ने मामले को सुनने से ही इनकार करते हुए मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट जाने को कहा था। आपको बता दें कि हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद सीबीआई की गिरफ्त में आए मनीष सिसोदिया को अब जो है अपने पद से भी हाथ धोना पड़ा। उन्होंने दरअसल मंगलवार को ही इस्तीफा दे दिया था। वहीं जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेज दिया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने दोनों वरिष्ठ मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। आपको बता दें कि सिसोदिया के पास शिक्षा, वित्त, योजना, भूमि और भवन सेवाएं, पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा, जागरूकता, श्रम और रोजगार, लोक निर्माण विभाग के अलावा स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण व जल विभाग थे। यानी कि टोटल 11 विभाग मनीष सिसोदिया के कंट्रोल में रहे थे, लेकिन अब इन सभी पदों से मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि सिसोदिया दिल्ली सरकार में सबसे प्रभावशाली मंत्री माने जा रहे थे। आम आदमी पार्टी के राज्य सरकार के सभी बड़े मंत्रालय उन्हीं के पास थे। मनीष सिसोदिया सीएम अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद नेता बताए जा रहे थे। वहीं सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके 6 विभाग भी सिसोदिया ही संभाल रहे थे। बता दें कि सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। गिरफ्तारी के करीब 9 महीने बाद सत्येंद्र जैन ने भी अपना मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं एक अलग किस्म की
राजनीति दिल्ली में देखने को मिल रही है। दरअसल जहां शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है मनीष सिसोदिया को, तो मनीष सिसोदिया जहां शराब मंत्री थे तो इसी के साथ ही शिक्षा मंत्री भी वो रहे हैं। ऐसे में बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों को ढाल बनाया जा रहा है और लगातार आम आदमी पार्टी इस कवायद में लगी हुई है कि बच्चों के हाथों से पोस्ट कार्ड बनवाया जाए, ड्राइंग बनवाया जाए और ये दिखाने की कोशिश की जाए कि कैसे बच्चे मनीष सिसोदिया को लेकर के आवाज उठा रहे हैं और बच्चों का ये मानना है कि मनीष सिसोदिया बेकसूर है। ऐसे में बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी घटिया लेवल की राजनीति कर रही है और बच्चों को अपनी राजनीति के लिए ढाल बना रही है। और जहां एग्जाम्स के इस टाइम पे सीजन चल रहे हैं तो ऐसे में बच्चों का भी ये नुकसान है क्योंकि बच्चे जो है ये सारी चीज़ें प्रेशर में कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है, और इस वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से उनके नंबर भी गलत आएंगे। वहीं सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जो बच्चों ने ये लेटर लिखा है, ये पोस्ट कार्ड बनाया है, वो या तो 9th क्लास के हैं, 2nd क्लास के हैं या फिर 4th या 5th क्लास के हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब बच्चे जो है पोयम पढ़ते हैं या फिर किसी सवाल को लेकर के, स्टोरी को लेकर के वो याद करने की कोशिश करते हैं, तमाम चीजों में वो उलझे रहते हैं, ऐसे में इन बच्चों को शिक्षा मंत्री या फिर अपने देश की राजनीति का क्या समझ होगा कि वो इस तरीके से मनीष सिसोदिया को बेकसूर साबित करने में लग जाएंगे। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी को अब न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से वो कानून का इंतजार नहीं कर रहे हैं, न्यायपालिका का इंतजार नहीं कर रहे हैं और बच्चों से लगातार ये गुहार लगवा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया बेकसूर है। ऐसे में लगातार बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। बता दें कि मनीष सिसोदिया को लेकर के सीबीआई ने अभी चार्जशीट दायर नहीं की है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि सीबीआई की गिरफ्त में मनीष सिसोदिया है। ऐसे में पहले से ही कई सारे लोगों को सीबीआई ने अरेस्ट किया है, जिसमें से समीर महेंद्रू, दिनेश अरोड़ा और विजय नायर शामिल हैं। आपको बता दें कि दिनेश अरोड़ा वही शख्स हैं जिन्होंने बकायदा कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था ताकि वो सरकारी गवाह बन जाए। ऐसे में कहा जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा ने भी कई सारे खुलासे किए होंगे सरकारी गवाह बनने के बाद। तो वहीं विजय नायर ने 100 करोड़ के रिश्वत को लेकर के बड़ा खुलासा किया था। ऐसे में कई सारे खुलासे लगातार शराब घोटाला मामले में होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि लगातार एक के बाद एक जहां मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलों भरी घड़ी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बता दें लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो ये दावा कर रही है कि उनकी पार्टी कट्टर ईमानदार की पार्टी है, उनके तमाम नेता और मंत्री जो है वो कट्टर ईमानदार है। खुद अरविंद केजरीवाल यही दावा करते हैं, लेकिन बात चाहे हम सत्येंद्र जैन की करें, मनीष सिसोदिया की करें या फिर उनके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की करें या फिर उनके एमएलए अमानतुल्लाह खान की करें, इन सभी के खिलाफ किसी ना किसी मामले को लेकर के केस दर्ज है, कोई जेल के अंदर है तो कोई जमानत पर बाहर है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।